इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित सावल और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का पीएम कौन। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत में और सोनीपत की जनता क्या सोचती है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या चाहती है तमाम प्रत्याशियों से, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सियासी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहेंगे जो एक बार फिर सोनीपत की जनता के पास मौजूद है, उनसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन सोनीपत की जनता उनको वोट क्यों दे ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है देवेंद्र कादियान, कांग्रेस के नेता है, INLD से ब्रिगेड जो एक बार फिर सोनीपत की जनता के पास मौजूद है, उनसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन सोनीपत की जनता उनको वोट क्यों दे ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है देवेंद्र कादियान, कांग्रेस के नेता हैं, INLD से ब्रिगेडियर OP चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, BJP से राजीव जैन हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्ण कुटेल BSP से हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ शमशेर सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ यहां मौजूद है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ यहां मौजूद है जी। तो सब लोगों से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कादियान साहब आपसे, कांग्रेस के यहां से सांसद थे पिछली बार, आखिरकार इस बार तो खैर वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, लेकिन क्या 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 कहकर आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, क्यों सोनीपत की जनता आपको मौका दे बताइए। 9.5 साल के अंदर जो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो यहाँ पे विकास के कार्य कराए हैं, आप पूरे हरियाणा में कहीं भी जा सकते हैं, पूरी लोकसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं उस देश पे हम जनता के बीच में जाएंगे और 10 तारीख को हमारा कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा जी। बताइए बताइए, इनका इनका कहना है विकास किया है, क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है सोनीपत में? सब सब ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, आप बताइए, नीचे हाथ मत पकड़िए, बताइए विकास। आप दिल्ली के रास्ते यहाँ से आए, विकास आपको रास्ते में नजर आया होगा, यूनिवर्सिटी से लेकर खेल, क्या विकास हुआ है सोनीपत में? चलिए इनका कहना विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। INLD से हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर OP चौधरी। चौधरी साहब आप बताइए, आपकी पार्टी को वोट क्यों दे जनता बताइए। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि विकास जिसका दावा किया मेरे साथी जो खड़े हुए जी, अगर किया होता जी जी बिल्कुल, अगर विकास किया होता तो इनके सांसद चुनावी मैदान छोड़ के ना भागते। नंबर दो, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनता के बीच में रही है और सोनीपत का अगर विकास किया है तो इंडियन नेशनल लोकदल। इनका कहना है कि आपके सांसद भागे, क्या कहेंगे इनके आरोप पर? सांसद भागने का हमारा सिर्फ ये रीजन है कि उनकी अपनी सारे शरीर की कोई प्रॉब्लम थी, बीमारी की प्रॉब्लम थी, उस वजह से। जनता जनता क्या कह रही है देखिए, जनता क्या कह रही है। हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। राजीव जैन BJP से मौजूद है। राजीव जी बताइए, BJP को वोट क्यों दे सोनीपत की जनता? आज कांग्रेस ये कह रही है कि हमने विकास किया है, तो आज आप क्या करेंगे, क्यों आपको वोट दे? देखिए यहाँ पर 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, KMP एक्सप्रेसवे है, सोनीपत जींद रेल लाइन है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। इनका कहना है BJP के सांसद रहे, उन्होंने विकास किया, 3 बार जब रहे थे क्या हुआ विकास? साहब जनता आपके विकास को भी नकार रही है। आम आदमी पार्टी से पूछते हैं साहब, आप बताइए क्या एजेंडा आपके पास? मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के द्वारा कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो फिर से कोई समाज जलाइए, इस दौरे सियासत से अंधेरा मिटाइए। ऐसे अंधेरा मिटाएंगे? दिल्ली में तो मिटा नहीं पाए अंधेरा। ये जो इन सभी पार्टियों ने अंधेरा कर रखा है पूरे देश के अंदर, जो भ्रष्टाचार रूपी अंधेरा है, हम उसको साहब इनका कहना है अंधेरा मिटा देंगे, विश्वास है इनकी बात पर जी। चलिए लोग भी अपने अपने राय, BSP बताइए आपको वोट दे जनता? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस और BJP जो है, इन्होंने परिवारवाद वंशवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है इसको खत्म करके जो है वो समतामूलक समाज की स्थापना चाहती है। चलिए इनका कहना है परिवारवाद को खत्म करेंगे, एक महिला मौजूद है हमारे साथ, बताइए आप बताइए क्या ये जो तमाम दावे कर रहे हैं आपको उम्मीद है इन लोगों से? देखिए कांग्रेस पार्टी जब से सरकार में है इन्होंने कोई विकास नहीं कराया, शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी है, गांव में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, आज लड़कियों की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए इनका कहना हाल बेहाल है साहब, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? इनका कहना है कांग्रेस वाले कह रहे हैं इन्होंने विकास किया, क्या विकास हुआ सोनीपत में? सोनीपत में इतना हो रहा है कि हरियाणा एक एजुकेशन का हब बना दिया, हरियाणा के क्या सोनीपत और रोहतक तो ऐसा चमक रहा है कि हरियाणा याद कर। चलिए इनका कहना है चमक रहा है सोनीपत जी, आपसे बात करेंगे, आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, ये जो तमाम नेता आते हैं वोट मांगने, आपको इनसे उम्मीदें हैं, क्या ये वादे पूरे करते हैं? वादे कांग्रेस ने कोई वादा पूरा नहीं किया जी, विकास नहीं हुआ ना कोई विकास। क्या क्या चाहिए आपको सोनीपत के लिए? सोनीपत के लिए रोड पैसा लगा,
दलाली का काम करता है, जमीन बेचता है। जब चले भूमि अधिग्रहण, इनका कहना है यहाँ काम नहीं हुआ, कुछ और लोग भी मौजूद है, सब आप बताइए आपको आपका क्या कहना है, क्या किससे उम्मीद है आपको? आपसे 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 उम्मीद है? दिल्ली छोड़कर भागे तब भी उम्मीद है? बिल्कुल तब भी उम्मीद है। चलिए, इनको आम आदमी पार्टी से मौजूद है, कुछ और महिलाएं मौजूद है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए। मौजूदा सरकार ने जितनी ब्रांड माटी आम महिला की करी है, इसी कोई ऐसी सरकार में ऐसी ब्रांड माटी नहीं हुई जी। इनको इनको आपसे शिकायत है, कांग्रेस से शिकायत है, इनका कहना है कि सोनीपत में जमीनें अधिग्रहण किया गया लेकिन विकास के नाम पर वो विकास नहीं हुआ, सिर्फ जमीनें अधिग्रहित हुई, क्या कहना है आपका? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी यहाँ पे इनेलो की सरकार थी, ऊपर बीजेपी की सरकार थी, 2.5 लाख में किसानों की जमीन ली गई, हमारे यहाँ पे जमीन आप करोड़ों के रेट में है, उसके एक महीने बाद जब हमारी सरकार आई वहाँ पे जमीनें का रेट 23 लाख कुछ थी। आप बताइए, कांग्रेस सरकार घपवाले और घटवाले की सरकार रही है, इन्होंने 4 लाख करोड़ के घोटाले किए, 4 लाख करोड़ के जमीनों में इन्होंने वायदे किए। इनका ये कहना है कि वायदे इन्होंने किए, INLD ने वायदे पूरे किए, क्या लगता है आपको? सब आप बताइए, आपको क्या लगता है, जो वादे करते हैं पूरा करते हैं वादे? पूरा वादा नहीं करते, झूठ बोलते हैं। सब आपको कह रहे हैं सोनीपत की जनता की आप लोग झूठ बोलते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, आप बताइए। हमारी फिर कार्ड भी कटवा रखे हैं गरीबों के जी। युवा मौजूद है, क्या चाहते हैं हम सियासी पार्टियों से? हम ये चाहते हैं कि इनेलो आए और विकास करे। कांग्रेस ने प्रॉपर्टी लिंक कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने एजुकेशन सिटी के नाम से जो है कुछ नहीं किया। सारी मौजूदा सांसद के काम से खुश है क्या? नहीं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं जी, बिल्कुल। आपको आपको किससे उम्मीद है, क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं और क्यों? देखो, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बने ओम प्रकाश चौटाला और ऊपर बने मोदी। चलिए, इन्होंने एक नया समीकरण बताया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए। चौधरी प्रधान हो और पहचाने लोगों उसका फुल समर्थन है, नरेंद्र मोदी को आप समर्थन देंगे? चुनाव तो अलग अलग लड़ रहे हैं, इनेलो नरेंद्र मोदी को समर्थन देगा। क्यों क्यों? इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर कर। चलिए, ये मोदी मोदी नमो नमो ये कर रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो सभी फेस का थोड़ा सा प्रधानमंत्री बनाना चाहते। चलिए, बहन जी की बातें कर रहे हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आप बताइए। मेरा सवाल भाई देवेंद्र कादियान जी से है, ये सिस्टम लागू हुआ था पैटर्न 1 से 8, 9 से 12, जिसमें SSC का 400 करोड़ रुपए पर ईयर आता था, आज 5 साल हो गए। महंगाई महंगाई की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, महंगाई की नहीं, पैटर्न की शिक्षा आपकी जो बात करते हैं, उसमें 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट आ चुकी है, वो सिस्टम आज तक इनका इनका सवाल आपसे है, कांग्रेस से सवाल है, इनका इनका कहना, आपने कहा एजुकेशन हब बनाएंगे सोनीपत में लेकिन नहीं बना पाए, बताइए कहीं अपनी बात। आप राई से लग जाइए वहाँ पे, सुनिए राजीव इनकी बात भी सुन लीजिए जी। आप राई हलके से लगे, इस पार्लियामेंट का पहला हलका दिल्ली से, वहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुठल में छोड़ो राम यूनिवर्सिटी, खानपुर के अंदर महिला व विश्वविद्यालय दीजिए। ये धारा भेज देंगे, गगन भेज देंगे, स्वार्थ के लिए संविधान भेज देंगे, बात कड़वी लगेगी मगर सच है देशवासियों, ये कांग्रेसी हिंदुस्तान भेज देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लहर है, इन्हें ले लो 10 सीटें। चलिए, 10 सीटें बोल रहे हैं, सब आप बताइए। साल 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन आता है, आज देश परिवर्तन की बात आ गई है, किसको चाहते हैं आप? आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल? आप बताइए। हरियाणा में 10 की 10 सीट जो है लोग यानी है, और मोदी को ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ना, मतलब ही आम आदमी जमानत आम पार्टी की जमानत जमाती है। यहाँ कुछ और लोग मौजूद है, सब आप बताइए। मिर्चपुर, मिर्चपुर में कांग्रेस ने जो दलितों पे अत्याचार किए थे, ABP अत्याचार किए थे। चलिए, कई सवाल, कई जिले शिकवे यहाँ की जनता को है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, ये मोदी मोदी कर रहे हैं, कारगिल वार में किस कौन सी पार्टी थी जो पाकिस्तान को सेफ साइड जाने के लिए जीत गई? चलिए, इन पर समझिए, आप बताइए। साहब, आप बताइए। भाई, मैं बहुत कुछ किया इन्हें, सारे हिंदुस्तान में सब सारी जीत करी है। किसने? मुझे कांग्रेस ने। हाँ, चलिए, इनका कहना है, एक बार फिर राजीव जी आपके पास आ रहे हैं। सब आप कह रहे हैं मोदी मोदी की लहर है, लेकिन सोनीपत की जनता कह रही कोई विकास नहीं किया, 3 बार आपके भी सांसद रहे यहाँ से। मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड की बात है कि MP एक्सप्रेसवे आज जिसका काम ठप है वो राजग काल में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो है सोनीपत जींद रेलवे लाइन का काम चल रहा है, वो उस समय शुरू हुई थी,
और यहाँ पर जितनी भी ट्रेन है, नई ट्रेन चली थी वो हमारे सांसद के समय में चली थी। सारा काम सड़कें ठीक है क्या? सड़कें बिल्कुल बुरा हाल है, 9.5 साल में। इनका कहना है 9 साल में सड़कों का बुरा हाल रहा। पहले कैसी थी सड़कें सोनीपत की? ठीक थी क्या? सोनीपत की सड़कें ठीक थी? साहब कई सवाल उठा रहे, ये मोदी की लहर बता रहे हैं। इनको हरियाणा के अंदर अपने उम्मीदवार नहीं मिले, कांग्रेस से उन्होंने उम्मीदवार दिए। जी जी, आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए। बीएसपी ऐसे है कि बीजेपी पार्टी जो विकास की बात कर रही है कि हम जो है कि स्वराज की स्थापना करेंगे इस भारत देश के अंदर, लेकिन गुजरात के अंदर जो है कि हर एक कुछ और बच्चा कुपोषण का शिकार है। बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाह रहे हैं। सब आप बताइए, आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है? ये जो कांग्रेस है ना, या वरिष्ठ है कति, हरी ने देश लूट के खा लिया। तो आपके आज किससे उम्मीद है फिर आपको? आपका लोकदल से। चलिए, इनको लोकदल से उम्मीद है। आप बताइए साहब, आपको क्या लग रहा है? हेलो कांग्रेस होता हूँ तो आप बताइए। हुड्डा साहब, अगर इसका, अगर हुड्डा साहब किसी का भला नहीं कर सकते, इसका कोई भला नहीं कर सकता। जी जी जी, भला कर दिया था बहुत समाज पार्टी। चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे हैं, और भी जनता मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ साहब, आप बताइए। जी, जो जो आम आदमी पार्टी ने 29 दिन में किया वो किसी भी सरकार ने 60 साल में नहीं किया। चलिए, इनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया, लेकिन बड़ा सवाल कौन क्या कर रहा है। सब आप बताइए, किससे उम्मीद है आपको? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 10 सालों में भ्रष्टाचार के सिवा क्या किया है इन्होंने? कांग्रेस से सवाल है, आप बताइए। इनका कहना है कि 10 साल में कोई विकास नहीं किया आपने, आप बताइए। कांग्रेस से सवाल है। आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकते हैं अपनी बात। सोनीपत हल्के की जहाँ तक विकास, सुनिए कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं। सोनीपत हल्के की जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ पे तो ढील हुई है, वो विधायक की वजह से हुई है। यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, उसके ढीले रवैये की वजह से हुई है। यहाँ पे जो विधायक है, उसके ढीले रवैये की वजह से हुई है। बाकी आप मौके में असेंबली में देखिए, कुर्सियों पर बैठ जाइए, क्योंकि इन कुर्सियों पर बाद में नेता बैठेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। बताइए आपको क्या लग रहा है? सुनिए, कांग्रेस बोलती, हुड्डा बोलता है कि हमारा सोनीपत एक आंख, वो तक दूसरी आंख है, तो एक आंख से क्या हुड्डा काना है? चलिए, इनका कहना है कि विकास सिर्फ रोहतक में रुक गया, सोनीपत में विकास नहीं आया। बताइए, आप बोलिए, कृपया इनकी बात सुन लीजिए। सोनीपत हल्के की विकास की बात जहाँ तक है, हमारे यहाँ विधायक के यहाँ पे पति यहाँ पे खड़े हैं, इनका बहुत मुखा है यहाँ पे। कोई विकास नहीं हुआ है, इनका आरोप है सोनीपत में बीजेपी की विधायक है। इनका कहना है कि सड़कों पर आपसे सवाल पूछना चाहिए। देखिए सरकार, और जो है कि ये यहाँ पे विधायक रहे हैं, और विधायक और सोनीपत में कोई भी विकास नहीं किया, कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे सड़कें ठीक होती, यहाँ पे पीने का पानी होता, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक। चलिए, इनकी अपनी बात है। SEZ के नाम पे कांग्रेस सरकार ने हजारों एकड़ जमीन किसानों की अधिग्रहण करी, और ये वादे किए थे कि 10 लाख। जी जी जी, चलिए इनकी अपनी बात है। कुर्सी पर बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये नेता कुर्सी पर बैठ जाएंगे कुछ टाइम बाद, बोलिए बोलिए। ये सारी पार्टी 60 साल से चीन और सोनीपत की जनता को बेचने लग रही है, अपना पेट नहीं भर सकते ये। और इसका पता जी सुखबीर फरमाना 25 साल। चलिए, इनको बहुत मलाल है, आप बैठिए, आपसे भी बात करेंगे, और लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करिए। साहब आप बताइए, क्या क्या लग रहा है आपको? किस पार्टी से उम्मीद है, क्या क्या चाहते हैं आप इन नेताओं से? हम ऐसी पार्टी से उम्मीद रखते हैं जो ये भ्रष्टाचार जो अभी देश के अंदर फैला हुआ है उसको खत्म करे, इसमें हमारी इनेलो पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल हो। चलिए, किससे उम्मीद है आपको? हाँ जी, हमें उम्मीद इनेलो। चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी बात है, कृपया कुर्सियों से आप लोग बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठिए, सब लोगों की बात हम करेंगे, सब लोगों से बात करें। जी बताइए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल मौजूदा विधायक जी से है कि आज इनके राज में विधायक होते हुए एकत्र क्वार्टर में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बनवा सकते, तो सांसद हो गए क्या? सब सवाल आपसे, बीजेपी के यहाँ से विधायक है, इनका कहना है कि शहर के हालात बेहद बदतर है, अगर आप विधायक रहते हुए ये नहीं करवा पाए तो सांसद जितवा के क्या कर लेंगे? देखिए, विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने विधानसभा के अंदर सड़कों पर लड़ाई लड़के जिस पार्टी के अंदर गए हैं वो अवसरवादी अविश्वासी व्यक्ति रहे हैं, और कभी भी वो वफादार नहीं रहे हैं, मिले हुए हैं, जनता का क्या भला करेंगे?
चलिए चल बड़ा बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। सोनीपत की जनता हिसाब मांग रही है, सोनीपत की जनता। जी साहब आप बताइए, आप बताइए आपको क्या लगता है मौजूदा सांसद ने विकास किया उससे आप संतुष्ट हैं? सांसद ने कोई विकास नहीं किया, पूरे सोनीपत जिले के अंदर कहीं भी विकास हो सारा सोनीपत अलग अलग के रख रखा है। रोहतक को कहता है कि छोटा भाई सोनीपत है, लेकिन छोटा भाई कहां से 9 साल 11 महीने। चलिए इनका कह रहे सोनीपत में विकास नहीं हुआ। ना 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 ना, मेरा राजीव जैन जी से एक क्वेश्चन है कि ये एक ईमानदार छवि के नेता है, क्या इनके अंदर आत्मा एक भ्रष्ट आदमी की मदद करने के लिए कहती है जो बीजेपी का टिकट ले आया? चलिए सवाल इनका ये कहना है कि बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिया। राजीव जी सवाल आपसे है कि आपने दल बदलुओं को टिकट दे दिया यहाँ से? भ्रष्ट आदमी की मदद करने के लिए कहती है जो बीजेपी का टिकट ले आया। चलिए सवाल इनका ये कहना है कि बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिया। राजीव जी सवाल आपसे है कि आपने दल बदलुओं को टिकट दे दिया यहाँ से? कोई दल बदलू नहीं है। पहले आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है कि पूंजीपतियों की पार्टी है और ये पैसा दे करके क्योंकि टिकट देते हैं और फिर लोगों को घूस लेने का काम करते हैं। हमने जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इसलिए सारे कांग्रेस दोनों पार्टियां लूटने का काम कर रही है। बोलिए आपकी आवाज। सभी पार्टियों के अधीन बैठे हैं, आप हाथ बढ़ाइए। यहाँ की टिकट बीजेपी की बेची गई है, सेल बेची गई है, आगे टिकट हाथ बढ़ाइए सबसे। यहाँ की टिकट बेची गई है, बताइए विधायक और सांसद ने काम किया। सब हमारा हाथ पकड़ेंगे कुछ मिलेगा, नेताओं का हाथ पकड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। चलिए और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं। साहब माइक में बताइए। कांग्रेस वाले तो नहीं पूछो, अगर नौ वाला को सारा हरियाणा बेच दिया और बीजेपी वाला को नहीं पूछते इन्होंने सारे चोर इकट्ठे कर लिए इलेक्शन की। सवाल दोनों पर उठा रहे हैं। साहब आप पर आरोप लगा है, इनका कहना है कि कांग्रेस ने जमीनें बेची सस्ते दामों पर, यह आरोप है। कहिए आप कहिए। मैं एक बार सुनो, हमारी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बार सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मेरे साथी खड़े हैं, हमारी सरकार से पहले जो जमीनें ली गई उसका क्या रेट था, आज का रेट है, जब हमारी सरकार आई तब का रेट था, आप पता कीजिए। यहाँ पे करोड़ 2.5 लाख रुपए की जमीन लेके लोगों की झूठी पार्टी है और इन्होंने झूठ बोल करके 22 साल तक जो है कि राम का नाम जो है कि इस देश और प्रदेश के ऊपर सत्ता संभालने का काम किया और कोई भी जो है कि विकास का काम नहीं किया। बैठ जाइए, सवाल सोनीपत की जनता से है, क्या आपको बिजली मिली, पानी मिला, विकास मिला, क्या चाहते हैं आप लोग? सब ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, आप कहते हैं खुद विकास किया कांग्रेस। आप ये ले गए अपनी बात की, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ सोनीपत शहर की जहाँ तक बात है, यहाँ के विकास में जो रोड अपना है वो यहाँ के विधायक है, इन विधायक की वजह से यहाँ पे इतना विकास नहीं हो पाया जितना बाकी हल्कों में विकास कर रहे हैं। यहाँ पे सब विधायक की वजह से। ये बताइए दिल्ली में 49 दिन सरकार चला के गर्मी में, सर्दी में, अब गर्मी में भाग रही है सरकार, पहले तो गर्मी में रही, सर्दी में रही, गर्मी में भाग रही है। सब सवाल आम आदमी पार्टी से, सर्दियों में तो आप सरकार में रहे, गर्मियों में सरकार से चले गए दिल्ली से, ये आपसे सवाल पूछ रही है जनता सोनीपत की। जो हमारी सरकार ने 49 दिन में करके दिखाया, ये लोग जो है 60 साल में भी नहीं कर पाए। ये लोग आप पार्टी जो है कि कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर के जो है कि वो देश को चलाना चाहते हैं। हमारे वो बी टीम बताते हैं जब मायावती के खिलाफ कांग्रेस सब अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत की जनता, सोनीपत की जनता। फिर अजी चलिए इनका कह रहे हैं खूब विकास हो रहा है, कृपया शांति से बैठिए तभी बात हो पाएगी। शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। सब आप बताइए क्या चाहते हैं आप तमाम उम्मीदवारों से? मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने भगवान राम को भी धोखा दिया, आप किसको धोखा देना चाहते हैं? चलिए इनको बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में लोग इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ पिछले 9 साल से? सारे हुड्डा के रिश्तेदार भर्ती हुए हैं, सारे कोई नौजवान भटक रहे हैं, किसी योग्य नौजवान को नौकरी नहीं मिली है, अनपढ़ और गवारा लोगों को। जो घोटालों के बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
हमारे देवेंद्र कसन भाई साहब उनका जवाब नहीं दे रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। साहब आप बताइए, जो लड़ ना सका हो काशी से वो क्या लड़ेगा काशी से? तो आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है आपका असल लहर है? जरा मफलर तो उठा के देखो, ऐसा अभी बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो दो दिन पहले कांग्रेस का एजेंट था और वो 29 करोड़ में टिकट लेके आया है और ये कांग्रेस। चलिए नेता क्या देंगे उम्मीदवारों को ये जानने की कोशिश करेंगे, जनता को काफी उम्मीदें हैं सब तमाम लोगों से टिकवे। आप बताइए, अगर आपसे शुरू करिए, आपसे भी बात करेंगे, बैठिए। आप बताइए, आप पर आरोप है कि आपके सांसद इस बार मैदान छोड़कर भाग गए, विकास नहीं हुआ, बताइए जनता को क्या किया? सांसद की बात जहां तक है वो मैंने आपको बता दिया, वो उनका अपना निजी कारण था। जहां तक विकास की बात है, आप पूरी लोकसभा में घूम सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में और किसान के लिए हर जगह विकास हुआ है। आप किसी सरकारी आंकड़े दे सकते हैं? आप नौ संतानों की सरकार थी। जी जी, आप बताइए, आई एल डी से सवाल है। कल केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है, वाराणसी में बयान दिया केजरीवाल जी ने, मैं जीतने के लिए नहीं, मैं हराने के लिए आया हूँ, इसलिए वो जो है कांग्रेस पार्टी। आप ये बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मोदी मोदी बोल के आप जीतना चाहते हैं, क्या करेंगे फिर? क्योंकि गुजरात की सरकार 1,45,000 महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक आज देश की जनता चाहती है, जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है उसी तरह देश का विकास हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी कहती है कोई विकास नहीं किया आपने वहाँ पर। देखिए ये तो क्योंकि जब पार्टी तो भाग मिलकर भाग पार्ट टू बजाने जा रहे हैं, इनका काम तो भाग है। एक सवाल इन सब लोगों से, आपने सवाल पूछा आपको बिजली पानी सड़क तीन बड़ी समस्याएं, साहब ये तीन समस्याएं सोनीपत की, या बिजली वक्त पर, या पानी वक्त पर, ना सड़कें ठीक है, आपने क्या किया नौ साल? पूछ रही है जनता, दोबारा सवाल कीजिए, सवाल क्वेश्चन दोबारा कीजिए। आप बताइए, बिजली पानी सड़क की समस्या समाधान नहीं हुआ नौ सालों से? यहाँ पे कोई समस्या नहीं है बिजली पानी को लेकर, जहाँ पे सड़कों की बात है वो सड़कों का पिछड़ा पड़े। चलिए सोनीपत की जनता विकास हुआ या नहीं हुआ आखिर में जनता की राय जानेंगे। चलिए जनता की अपनी अपनी राय है, मिलाकर एक बार फिर उस बार चुनावी मैदान में, लेकिन सोनीपत की जनता तमाम प्रत्याशियों से मांग रही है हिसाब की, आखिरकार विकास कहाँ हुआ? तो बहरहाल किस्सा कुर्सी का पीएम कोर्ट में सोनीपत से आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।